bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum all the teachers, parents, students, principals, and everyone who is listening and watching my video. How are you all? I'm Dr. Asma Bilal Khan, and today I'm here to teach you or tell you something about homophones. As you can see on this page, I have written homophones. Homophones kya hote? Ye aage bracket mein कि ये ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के जिन में जिनका साउंड तो सेम होता है यानी कि बोलने में उनका साउंड हमें सेम लगेगा लेकिन उनके स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं और उनके मीनिंग्स भी डिफरेंट होते हैं ठीक है मीन्स होमोफोन्स आर दोज इंग्लिश वर्ड्स विच हैव द सेम साउंड बट दे हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम आ, कोई चीज़ इंग्लिश में आ, लिखते हैं तो मतलब बोलने में तो इन वर्ड्स का हमें नहीं पता चलता और इनका डिफरेंस हमें नहीं पता चलता बिकॉज़ दे हैव द सेम साउंड बट हम जब लिखते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि आ, हम उन स्पेलिंग्स को आपस में कंफ्यूज कर लेते हैं ठीक है या आ, मतलब वो स्पेलिंग्स एक तो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं दूसरा ये कि मीनिंग्स में कभी कभार उनमें भी कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो जाती है बिंग एन एजुकेशनस्ट और अलहमदिल्ला इतने सालों का एक्सपीरियंस जो मेरा टीचर्स के साथ है उसमें मैं यही देखती हूँ कि मोस्टली टीचर्स uh, जो हैं वो ये छोटी छोटी uh, जो मिस्टेक्स हैं इनमें करते हैं ठीक है स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से उनका एक ओवरऑल जो एक एजुकेशनल uh, इमेज होता है वो एकदम जो जो सा वो ख़राब हो जाता है ठीक है उनकी हायर अथॉरिटीज़ के सामने तो uh, मतलब एमएससी और बी और इस तरह के हाईली uh, एजुकेटेड जो लोग हैं टीचर्स हैं उनको मैंने देखा है इस तरह की जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हुए तो ये आम uh, जो है वो मिस्टेक है जो कि हर उस मुल्क में हर उस लैंग्वेज के लोगों को पेश आती है जिनकी इंग्लिश uh, मतलब जिनकी अपनी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है ठीक है जो कि इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज जो है वो uh, पढ़ते हैं तो इसमें आज ये आप देख सकते हैं ये सब मैंने वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं ठीक है इनको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी करूँगी तो आप लोग मेरी वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आप लोगों को हर चीज़ जो है वो क्लियर हो अब इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ये एक फ्लोर लिखा हुआ है एंड दिस इज फ्लोर तो यहाँ पर ये इस फ्लोर का मतलब होता है फ़र्श यानी कि ये जो फ़र्श होता है ना हमारा ठीक है उसको हम कहते हैं कि जी ये फ्लोर है ठीक है और उसके स्पेलिंग ये होते हैं और फ्लोर ये जो फ्लोर है इसको एक तो बोलते भी हम फ्लोर करके हैं और ये इसका मतलब होता है मैदा ठीक है मैदा या आटा ठीक है तो इन दोनों में आपने कन्फ्यूज़न नहीं करनी और आप हैरान होंगे कि मैंने एक अच्छे यानी कि थ्री स्टार होटल के जो है वो उसमें देखा था के दरवाज़ों पर उन्होंने मतलब वहाँ पर लिखा होता उनकी एंट्रेंस में फ़र्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर और उसके उन्होंने ना वो टैग्स लगाए हुए थे तो वहाँ पर उन्होंने इस फ्लोर की जगह उन्होंने ये वरा फ्लोर जो है वो यूज़ किया हुआ था तो मतलब आ, मुझे हंसी आ रही थी कि देखें यानी कि इतना बड़ा होटल है और इतने यानी कि ज़्यादा पता एजुकेटेड स्टाफ ही होगा वहाँ पर बट किसी ने इस चीज़ पे जो है वो अटेंशन पे नहीं की कि हम स्पेलिंग्स में इतनी बड़ी मिस्टेक करें ठीक है तो ये मैंने आपको एक कॉमन वो जो है वो चीज़ बताई है अब आगे ये वर्ड है सी एंड सी ये एस डब्ल्यू सी जो है इसका मतलब होता है देखना और इस सी का मतलब होता है समंदर ठीक है ये वाला ब्रेक जो है बी आर ए के ई ब्रेक ये ब्रेक होता है ब्रेक यानी कि रोकना जैसे हम गाड़ी की ब्रेक्स आ, कहते हैं ना और ये ब्रेक जो है बी आर ई ए के ये ब्रेक होता है तोड़ना किसी चीज़ को ठीक है अब ये है एट एट होता है आ, खाया यानी कि जो खाने की जो पास्ट फॉर्म है उसको हम एट कहते हैं और ये एट है आठ ये जो हमारा हिंसा होता है ना आर्ट ये वो ये एड जो है ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है इन दोनों स्पेलिंग्स में तो बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो है वो लोग करते हैं ऐड और एड में दिस एड इज़ द एब्रीविएट फॉर्म ये एब्रिविएशन है एडवर्टाइजमेंट की ठीक है तो एडवर्टाइजमेंट की जो एब्रिविएशन है ऐड जिसे हम कहते हैं ना कि ऐड आ रहा है ऐड चल रहा है ठीक है ये इस चीज़ का ऐड है ये वो ये वाला एड होता है ठीक है और ये एड जो है ये है ए डबल डी एड इसका मतलब होता है कोई चीज़ डालना या जमा करना ठीक है एडिशन करना ये सेल सी ई डबल एल सेल का मतलब या तो होता है कोठड़ी या कोई ऐसी जगह जो यानी कि जिसे हम कहते हैं ना कि उसे कोठड़ी में बंद कर दिया ठीक है और दूसरा ये सेल होता है जो हमारे इंसानी जो खुलिए होते हैं उनको भी हम सेल कहते हैं ठीक है फिर तीसरा सेल एक वो होता है जो कि हम अपने इनमें डालते हैं जितनी भी जो हमारी बैटरीज होती हैं उनको हम सेल कहते हैं ठीक है थीके? तो ये सी ई डबल एल सेल जो है इसके ये तीन मीनिंग्स हैं ठीक है थीके? अब ये एस ई डबल एल सेल जो है इसका मतलब होता है बेचना ठीक है डियर डी डबल e ई आर ये डियर होता है हिरन ठीक है और डी ई ए आर होता है प्यारा यानी कि कोई जिसको हम कहते हैं ना डियर फ्रेंड्स डियर टीचर कुछ भी इस तरह करके डी ई डब्ल्यू ड्यू ये ड्यू होता है ये जो शबनम होती है ना ये जो ओस पड़ती है इसको हम ड्यू कहते हैं ठीक है और ये है ड्यू कोई चीज़ जो हमारी वाजुबल अदा होती है या कोई काम अभी जो हमारा पेंडिंग है ठीक है आई ई वाई ई ये आई होती है हमारी आंख आप ये आप सबको ही पता है ठीक, ठीक है और ये आई होता है मैं यानी कि अपने बारे में जब हम मुखातिब करते हैं तो एफ़ ओ आर फोर जो है ये आपको पता है कि इसका क्या मतलब होता है ये होता है कि जब हम कोई चीज़ किसी के लिए करते हैं या कोई मतलब के लिए का मतलब होता है इसका ठीक है और एफ ओ यू आर फोर का मतलब होता है चार ग्रेट जी आर ए टी ई ग्रेट का क्या मतलब होता है किसी चीज़ को क्रश करना उसको छोटा छोटा सा वो करना ठीक है कद्दूकस टाइप करना और ग्रेट जी आर ई ए टी ग्रेट का मतलब होता है अजीम कोई चीज़ जो बहुत बड़ी है ठीक है हेयर ए E ए आर हेयर का मतलब होता है सुनना और ए ची आर ई हेयर का मतलब होता है यहाँ यानी कि इस टाइम जो मौजूद है एच ओ एल ई हॉल का क्या मतलब होता है सुराख ठीक है और डब्ल्यू एच ओ एल ई का क्या मतलब होता है हॉल यानी कि पूरा एक चीज़ जो अभी पूरी सालम है साबित है ये आर है एच ओ यू आर इसमें एच जो है वो साइलेंट होता है और इसको हम आर बोलते हैं ये होता है घंटा ठीक है और ये आर होता है ओ यू आर हमारा ठीक है ये है के एन ओ डब्ल्यू नो और यह है एन ओ नो इसमें के जो है वो साइलेंट होगा लेकिन इसका मतलब होता है जानना किसी चीज़ को और इसका मतलब होता है नो मैं आ, मुझे अच्छी तरह याद है कि बचपन में आ, आ, एक प्रोग्राम ऐसे ही मैं छोटी सी थी और मैंने एक प्रोग्राम देखा तब वो वी पे आता था वो प्रोग्राम तो ऐसे ही उसमें पता नहीं वो जुमे के बाद एक छोटा सा वो ना स्ट्रीट आ, टाइप आ, उसमें मतलब स्ट्रीट में जाके कर जो सा वो रोड्स पर जाकर लोगों से ना बात करते थे उसमें वो एंकर ने एक क्वेश्चन पूछा उससे एक लड़के से और वह अच्छा खासा यानी कि यंग पढ़ा लिखा लड़का लग रहा था उसने उसे पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछा और वो उसको कहता है कि आई नो आंसर आई नो आंसर तो यानी कि वो कह रहा था कि मतलब सर अपना वो नहीं मैं हिला रहा था और आ, मतलब नो वो बोल रहा था कि मुझे जो है वो यानी कि आंसर जो है वो नहीं आता लेकिन क्या है वो बोलने में ये कह रहा था कि मुझे आता है आई नो आंसर यानी इससे ये लग रहा था कि मुझे आंसर आता है और सर वो अपना नहीं में हिला रहा था यानी कि उसे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने जो है वो क्या बोलना तो इन चीज़ों का वो वो एंकर भी जो है वो इसमें परेशान हो गया तो ये एक यानी कि मुझे अच्छी तरह ये मेरे जहन में स्टाक होगी ये बात कि ये देखें यानी कि वो कितनी वो जो वो गलती कर रहा है यहाँ पर नाइट ये वाला जो नाइट है इसमें के जो है वो साइलेंट होगा और इसका मतलब होता है कि जो सिपा सलार होता है ठीक है और ये नाइट होता है रात ये मेल ये मेल और मेल इनमें भी बहुत से लोग जो है वो गलती करते हैं एम ए आई एल मेल होता है ये जो आप लोगों की हमारी जो डाक होती है ना उसको कहते हैं जैसे ई और जो दूसरी डाक होती है हमारी ठीक है और एम ए एल ई मेल जो है ये होता है मर्द या किसी भी जो नर होता है ठीक है मैरी एम ए डबल आर वाई मैरी इसका मतलब होता है शादी करना और एम ई डबल आर वाई का मतलब होता है खुशी का इजहार ठीक है खुशी ये एम डबल ई टी मीट का मतलब होता है मिलना और एम ई ए टी मीट का मतलब होता है गोश्त ये वन और ये वन दोनों की प्रोनाशिएशन एक ही है बट दिस इज ओ एन ई वन मीन्स एक एंड दिस इज डब्ल्यू एन वन मतलब जीता पी एल ए आई एन प्लेन एंड पी एल एन ई प्लेन प्लेन ये जो ये वाला प्लेन है इसका मतलब है जो बिल्कुल सपाट कोई चीज़ होती है ठीक है और इस प्लेन का मतलब है जो एरोप्लेन होता है ठीक है जहाज़ ये पीस पी ई ए सी ई पीस इसका मतलब होता है अमन सुकून पी आई ई सी ई पीस का मतलब होता है टुकड़ा किसी चीज़ का आर ई आर आई जी एच टी राइट इसका मतलब होता है दाया या सही ठीक है और डब्ल्यू आर आई टी ई राइट का मतलब है लिखना आर ई डी रेड का मतलब है लाल और आर ई ए डी रेड जो है ये पास्ट फॉर्म है रीड की यानी कि पढ़ा अफेक्ट और इफ़ेक्ट में बहुत सारी हमारी आवाम जो है वो कन्फ्यूजन करती है अफेक्ट मीन्स ये जो ए से स्टार्ट हो रहा है अफेक्ट आपने हमेशा याद रखना है कि ये एक वर्ब है अफेक्ट का मतलब होता है ए से स्टार्ट होने वाले अफेक्ट का मतलब है असर करना और ये इफेक्ट जो है ये नाउन है इसका मतलब है असर ठीक है ई डबल एफ ई सी टी इफेक्ट ये है असर ठीक है एस ई आर आई ए एल सीरियल इस सीरियल का मतलब होता है एक चीज़ जो सिलसिले से जारी है या हम कहते हैं ना टीवी सीरियल जो कि यानी कि किस्त बाय किस्त जो है वो आ रहा है ठीक है और ये सीरियल इसका मतलब होता है ये जो हमारा ये सीरियल्स होते हैं ना ये जो कॉन्फ्लेक्स टाइप इनको हम सीरियल कहते हैं ठीक है एस टी ई एल स्टील इसका क्या मतलब है चोरी करना ठीक है और एस टी डबल ई एल स्टील इसका मतलब है ये जो स्टील होता है जो कि धात है ठीक है एस ए एल ई सेल इसका मतलब है बेचना एंड एस ए आई एल सेल इसका मतलब है जो दोबैरी जहाज़ जो सफ़र करता है उसको हम सेल कहते हैं स्टेयर एस टी ए आर ई स्टेयर इसका मतलब होता है घूरना किसी को ठीक है और एस टी ए आई आर स्टेयर इसका मतलब है सीढ़ियाँ जो होती हैं हमारी ठीक है एस डब्ल्यू ई ए टी स्वेट इसको हम स्वेट बोलते हैं ठीक है और ये इसका मतलब होता है पसीना ठीक है इसको हम स्वीट नहीं बोलते और ये है एस डब्ल्यू डब्ल्यू टी स्वीट इसका मतलब होता है मीठा और ये है एस यू आई टी ई स्वीट ये इसका मतलब होता है कि जो आ, होटल का कमरा होता है ठीक है अच्छा अब ये है टेल एंड टेल ये टेल, ये वाला टेल जो है इसका मतलब है कहानी कोई जो हम आ, कहानी आ, सुनाते हैं ना वो और इस टेल का मतलब है दुम टी एच ई आई आर देयर इसका मतलब है कि उनका ठीक है और टी एच ई आर ई इसका मतलब है देयर यानी कि वहाँ पर ठीक है ये एडवर्ब है एक टू और टू इस टू का मतलब है ये एक यानी कि आपका जो है वो जुमलों के दरमियान आता है हेल्पिंग वर्ब और ये टू है यानी कि इसका मतलब है कि भी यानी कि मैंने भी ये काम किया वी ई आई एन वेन इसका मतलब है जो आपकी शरेयान होती है जो हमारी ये शरियाने होती हैं उनको हम वेन्स कहते हैं ठीक है ठीके? और वी ए आई एन वेन इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ जो अभी जो कि फालतू चीज़ है जो कि ज़ाया चली गई चीज़ ठीक है डब्ल्यू ई ए के इन दोनों में भी इन दोनों वीक में स्पेलिंग्स में भी बहुत से लोग जो है टीचर्स इवन मिस्टेक करते हैं ये वाला वीक जो है ई ए के वाला इसका मतलब है कमज़ोर ठीक है और डब्ल्यू डबल ई के वाला जो है इसका मतलब है हफ़्ता ये जो हमारा पूरा सात दिनों का हफ़्ता होता है ना एक पूरा उसको हम डब्ल्यू डबल ई के वो वाला वीक आपने याद रखना है हमेशा ये वेट और ये वेट इस वेट का मतलब है इंतजार करना और इस वेट का मतलब है वजन इस वेयर का मतलब है पहनना और इस वेयर का मतलब है कहाँ ये विच है किसका विच कौन सा और इस विच का मतलब है चुड़ैल ठीक है या जो मतलब जिसको जादूगरनी कहते हैं ठीक है ठीके? इस वेयर का मतलब है भला या अच्छा या गोरा जिसे हम कहते हैं जैसे फेयर एंड लवली में भी ये वाला फेयर यूज़ होता है ठीक है और इस फेयर का मतलब है कराया ठीक है और एक्सेप्ट और हमेशा आप याद रखें कि ये जो हम जब किसी सवारी का जब हम किराया देते हैं ना तो उसको हम फेयर कहते हैं ठीक है उसको हम रेंट नहीं कहते कि जी मेरे आ, मैं वो ऊबर करा के आया हूँ तो मेरा इतना रेंट हो गया है रेंट हमेशा जो है वो रहाइश वाली जगहों का होता है ठीक है या ये जो मतलब बिल्डिंग्स होती हैं उनका होता है ठीक है फेयर जो है वो सवारी का जो किराया होता है उसको हम फेयर कहते हैं ये वाला फेयर ये एक्सेप्ट और ये एक्सेप्ट में भी काफ़ी लोग कंफ्यूजन करते हैं इस एक्सेप्ट का मतलब है तस्लीम करना किसी चीज़ को मानना कबूल करना ठीक है और इस एक्सेप्ट का मतलब है कि इसकी बजाय ठीक है और इस एक्सेस और इस एक्सेस में भी लोग बहुत कंफ्यूजन करते हैं इस एक्सेस का मतलब है कि रसाई हासिल करना ठीक है और इस एक्सेस का मतलब है ज्यादती किसी चीज की ये टायर्ड इसका मतलब है थका होना और इस टायर का मतलब है जो पहिया होता है हमारा ठीक है ये बेल बी ए आई एल बेल इसका मतलब होता है ज़मानत और बी एल ई बेल इसका मतलब होता है गठरी ठीक है ये सन और सन एस ओ एन सन का आपको पता है कि ये बेटा और इसका मतलब होता है स्टूडेंट अब ये आ, वो आ, चंद पेयर ऑफ वर्ड्स हैं इस तरह के बहुत सारे पेयर ऑफ वर्ड्स हैं इस तरह के बहुत सारे होमोफोन्स हैं जो आपको अपनी रोजमर्रा की ज़िंदगी में रोजमर्रा की इंग्लिश में कहीं ना कहीं आपको नजर आते रहेंगे आ, इस लेक्चर के बाद आपने कोशिश करनी है कि आप आ, हमेशा अपने इर्द गिर्द जब आ, जो है वो इंग्लिश की कोई ऐसी वो देखें जहाँ पे आपको लगे कि हाँ ये वो वाला मीट है यानी कि यहाँ पर ये वाला जैसे जो है वो इसका स्पेलिंग लिखा हुआ तो इससे मिलता जुलता दूसरा भी एक लफ्ज़ होता है जिसकी आवाज़ ऐसी है लेकिन उसके स्पेलिंग्स दूसरे हैं ठीक है ठीके? आपने अपने जहन में इस तरह जो है इस चीज़ को रिवाइज करते रहना है और बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सी टीचर्स प्रिंसिपल्स और मदर्स और बहुत से लोग विद इन पाकिस्तान एंड आउट ऑफ कंट्री ऑल्सो मुझसे माशाल्लाह डेली बेसिस पे व्हाट्सअप पे मैसेजेस कर रहे होते हैं और मुझसे मेरी क्लासेस का पूछ रहे होते हैं और मुझसे मेरे लेक्चर्स का पूछ रहे होते हैं और ट्यूशनस लेने का पूछ रहे होते हैं ट्रेनिंग्स लेने का पूछ रहे होते हैं तो मैं उन सब लोगों से ये गुजारिश करूँगी कि आप लोग जो है वो लाजमी मेरा जो प्राइवेट ग्रुप है जो एक्सक्लूसिवली मैंने अपने उन सब मेंबर्स के लिए बनाया है जो मेरे साथ डायरेक्टली इनकॉन्टेक्ट होना चाहते हैं और वो अपनी रोज़मर्रा की जो लर्निंग है उसमें मुझसे हेल्प लेना चाहते हैं और वो मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट जो है ट्रेनिंग टीचिंग और इन सब के हवाले से वो देखना चाहते हैं तो और जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं उन सब के लिए मैंने वो ग्रुप जो है वो स्पेशली बनाया है और आप लोग उसको लाजमी ज्वाइन करें और उसमें यह कि मैं आ, स्पेशल एफर्ट करती हूँ और उस, उस ग्रुप में आने वाले सब मेंबर्स को मैं अपने फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट करती हूँ जिस तरह मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ अपने बहन भाइयों को हेल्प आउट करती हूँ इसी तरह मैं उस ग्रुप में शामिल हर इंसान को हेल्प आउट करूँगी इन शाला और उसकी मामूली सी बिल्कुल आप समझें कि जो एक लेस का पैकेट होता है उसका उसकी कीमत है उसकी ठीक है और वो भी मतलब एक दिन की नहीं पूरे एक महीने की यानी कि आप उसको एक छोटी सी अमाउंट बिल्कुल यानी कि ना होने के बराबर कि आपको महसूस भी नहीं होगी और उससे उसके बदले में आपको मैं अपने 20 साल का एक्सपीरियंस दूंगी इन ठीक है जो कि मैं 10 सालों से जो ट्यूशन्स वगैरह की सूरत में जो मैंने आ, पढ़ाया और जो 10 सालों से मैं अपना स्कूल रन कर रही हूँ ये सारा मिला के जो 20 सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपको उस आ, एक समझें कि समझे कि एक लेस के पैकेट के इवज़ आपको जो है वो मिल रहा है तो ये कोई बहुत बड़ा जो है वो अमाउंट नहीं है और इसके बदले में आपको इन मेरी पूरी हेल्प मेरी पूरी गाइडेंस मिलेगी हमेशा सो आई विल लुक फॉरवर्ड फॉर ऑल ऑफ यू टू जॉइन दैट ग्रुप और uh, उसमें आप मुझसे हर तरह की जो है वो अपनी क्वेरीज अपनी परेशानियाँ पूछ सकते हैं एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट ऑफ़ द बेस्ट टू हेल्प यू आउट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड इफ यू लाइक इट शेयर इट विद अदर पीपल एंड अदर फैमिली मेम्बर्स ऑफ योर्स और दुआ में याद रखिएगा टेल दिन टेक केयर अल्लाह हाफिज़